अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहर। भारत पर तीसरी बार मुसल्लत होने वाले या समझ लें कि कोशिश करने वाले और अपने इस खुशफहमी में मुब्तला नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो आज हम आपको अपने वीलॉग में बताने लगे हैं। क्यों वो इतना अपने आप को खुदा समझने लगे हैं? वो कहते हैं कि मैं पैदा नहीं किया गया बल्कि इस दुनिया में ख़ास मकसद के लिए भेजा गया हूँ। जब उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद सोशल मीडिया पे वो इतना वायरल हुआ और सार्फीन की जानिब से इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया, लोगों ने तरह तरह के सवालात किए। वो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। वो क्यों अपने आप को खुदा समझते हैं? क्या खुदा ने उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने और मणिपुर में कत्ल करने के लिए भेजा है? सिर्फ खुदा उन्हें इसीलिए तवानाई देता है कि वो मुसलमानों के ऊपर बल्कि इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? ये इस तरह के सवालात उनके इस बयान के बाद गर्दिश करना शुरू कर दिए। तो किसी ने कहा कि अभी तो वो जीते ही नहीं हैं, जीतने से पहले ही वो अपने आप को एक खुदाई रूप बता रहे हैं और जब जीत जाएंगे तो वो अपने आप को खुदा ही समझने लग जाएंगे। जिस तरह हिंदू भगवान कहते हैं अपने खुदा को, तो इसी तरह उन्होंने अपने कमेंट्स में भी यही कहा कि अभी वो नरेंद्र मोदी अपने आप को खुद भगवान का अवतार समझ रहा है और जब वो बन जाएगा वज़ीर आज़म तीसरी बार तो फिर वो समझेगा कि मैं ही भगवान हूँ, यानी कि अपने आप को खुदा समझने लग जाएगा और हर इंसान के ऊपर जुल्म करता चला जाएगा जैसे वो मुसलमानों पे कर रहा है। लेकिन सियासी माहिरीन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने इस बयानात से अपनी इंतखाबी मुहिम को बेहतर कर रहा है, मजहबी कार्ड खेल रहा है ताकि इंतखाबात में वो ज़्यादा वोट ले सके और वो जीत सके, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और मजहबी कार्ड खेलकर लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते ही हैं कि भारत की आबादी कितनी है और वहाँ पर आबाद हिंदू मुसलमानों से अजलों से नफरत करते आ रहे हैं, इसीलिए हिंदुओं की तवज्जो अपनी तरफ रागिब करने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके। लेकिन इस तरह की इंतखाबी मुहिम वहाँ के रहने वाले लोगों को, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे कौम मज़हब के लोगों को भी कितना नुकसान पहुँचाने वाली है, इसका अंदिया सियासी माहरीन दे चुके हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की इंतखाबी मुहिम इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह के बयानात इंसानियत के लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बार बार मज़हब के ऊपर उकसाएंगे तो हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, हिंदू सिखों के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, हिंदू दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। और ये सिर्फ़ अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लोगों के दिलों में जहर भरना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे इंसानियत को ख़तरा हो सकता है, आपके भारत में रहने वाले लोगों के लिए ख़तरा बन सकता है जो आपको आगे जाकर मुश्किलात में भी मुब्तला कर सकता है। नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक वहाँ पर इंतखाबात ही मुकम्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा भारत है कि वहाँ पर 7 मरहलों में इंतखाबात मुकम्मल किए जाते हैं, अभी भी वो सिलसिला जारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़ोरों शोर से शुरू किया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को ही टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।